अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कॉमेडियन कपिल शर्मा की जिंदगी के बारे में हर फैन उनका जानता है कि कैसे पंजाब के एक छोटे से गांव से आने वाले कपिल ने टीवी जगत में अपनी एक पहचान बनाई और कैसे भारत के सबसे बड़े कॉमेडियन बने। लेकिन कपिल की जिंदगी के पिछले कुछ साल बेहद ही खराब गुजरे और एक साल तक कपिल ने अपने शो से दूरी बनाए रखी। हालांकि इस दौरान कपिल की टीवी पर वापसी थी, मगर ये नाकाम रही। जैसे ही कपिल के करियर का बुरा दौर शुरू हुआ तो कपिल शराब पीने लगे। हाल ही में एक एंटी ड्रग्स कैंपेन में हिस्सा लेने वाले कपिल ने शराब पीने को लेकर खुलकर बात की और लोगों को शराब ना पीने की सलाह दी। कपिल ने बताया कि किस तरह से उनकी मां की वजह से वो शराब की लत से बाहर आ सके हैं। कपिल ने बताया कि वो खूब शराब पिया करते थे और इनकी इस आदत के चलते उनकी मां काफी ज्यादा परेशान रहती थी। एक ऐसा समय आया जब कपिल की शराब पीने की आदत को देख उनकी मां पूरी तरह से टूट गई थी। वही मां की ये हालत उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और कपिल ने अपनी शराब की लत को छोड़ने का निर्णय लिया। न्यूज़ डेस्क।